परिहार स्टेट प्रेसिडेंट एनएसयूआई। आज अपनी टीम के साथ जिस प्रकार हमने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जिस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पिछले कई सालों से इस तरीके से भेदभाव चलता रहा है, आज भी मनोज सर जो पहले भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, आज भी वो अपनी नियत उसी तरीके से जो है रख रहे हैं, क्योंकि आज भी वो एक ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी ही डिसाइडेड है कि उन्होंने ऑफ साइड कैंपसेस डेवलपमेंट ऑफिसर किसको बनाना है। ये एक दिखावे का इंटरव्यू जो ये 14 तारीख करने जा रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो जब तीन बार उसे पता चला कि वो क्वालिफाई पेपर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चेंज की गई, वो डिजायरेबल रखा गया कि 5 साल जो है डिजायरेबल एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ साइड कैंपसेस का। जब उन्हें मालूम पड़ा कि दूसरे व्यक्ति भी फाइल कर रहे हैं तो उन्होंने उस क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया, और आज जब बड़े मुश्किलात के बाद कुछ दूसरे एस्पिरेंट्स को मौका मिला कि वो भी इस पोस्ट के लिए जो है आगे आए, वो भी इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करें, लेकिन दोबारा से एक शर्मनाक बात आती है कि वो उसको टोटली क्वैश कर देते हैं, उस रिटन टेस्ट को ही क्वैश कर देते हैं जिसका सिलेबस, जिसका पेपर डेट जो है नोटिफाई की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये वही वाइस चांसलर है जो अपने रजिस्ट्रार होते समय एक AR का जो है AR की पोस्ट क्रिएट करते हैं, और AR की पोस्ट के लिए जो है रिटन टेस्ट मैंडेटरी रखा जाता है, लेकिन इनके सिलेक्टिव अप्रोच के लिए इन्होंने AR विदाउट रिटन क्वालिफाई किए एक व्यक्ति को जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, और इनके ऊपर कोई भी जो है बात नहीं आती। अब आपकी डिमांड की है, हमारी यही डिमांड है कि जो 14 को कैंपस ऑफसेट कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है उसको पहले तो रोका जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसका टेन्योर जो है एक्सपायर हो चुका है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं बैठ सकता, और एक फेयर सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाए और वीडियोग्राफी होनी चाहिए उस इंटरव्यू की, क्योंकि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप सिलेक्टिव एक व्यक्ति को, मैं नाम भी लेना चाहूंगा कि गोनी को, आज भी मैं आपको बताना चाहूं कि इस कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर अगर किसी को लगाना चाहते हैं है गोनी, और आपको मैं आज बता दूं इन्होंने डिसाइडेड है कि गोनी को ही लगाना है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे अगर इसी तरीके से इन्होंने अपने फेवरेटिज्म करके कुछ लोगों को फायदा देने का काम किया तो।